एक्सेलेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में वसूली का वीडियो वायरल, गरीब छात्रों की परेशानी बढ़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महसुआ के एक्सेलेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें प्राचार्य द्वारा छात्रों से अनौपचारिक रूप से अतिरिक्त शुल्क की मांग की जा रही है। वीडियो में प्राचार्य छात्रों से इंटर्नशिप और प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर क्रमशः 10,000 और 5,000 की अतिरिक्त शुल्क की मांग कर रहे हैं। गरीब छात्रों की परेशानी। इस मामले से सबसे ज्यादा परेशानी उन छात्रों को हो रही है जो गरीब परिवारों से आते हैं। ये छात्र पहले ही अपनी पढ़ाई के लिए काफी संघर्ष करते हैं और अब उन्हें अतिरिक्त शुल्क देने के लिए कहा जा रहा है। कई छात्रों ने बताया कि उनके परिवार इस अतिरिक्त शुल्क को वहन नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। एक छात्र की कहानी। एक छात्रा ने नाम न छापने के शर्त पर बताया कि वह एक गरीब परिवार से आती है। उसने बताया कि उसके पिता मजदूर हैं और माँ गृहिणी हैं। उसने बताया कि वह अपनी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति पर निर्भर है। उसने बताया कि प्राचार्य द्वारा मांगे जा रहे अतिरिक्त शुल्क को वहन करने में उसे असमर्थता है। उसने बताया कि अगर उसे यह शुल्क नहीं देना पड़ा तो वह अपनी पढ़ाई जारी रख पाएगी, लेकिन अगर उसे यह शुल्क देना पड़ा तो उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। छात्रों ने इस मामले का विरोध किया और स्थानीय प्राधिकरण और शिक्षा विभाग से इसकी जांच करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि इन्फोसिस के साथ छात्रों के इंटर्नशिप और प्रायोगिक परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। स्थानीय प्राधिकरण और शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राचार्य पर छात्रों से अवैध रूप से धन वसूलने का आरोप लगाया गया है। यह मामला स्थानीय मीडिया में व्यापक रूप से चर्चा में है। प्राचार्य ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। स्थानीय शिक्षा अधिकारियों ने कहा है कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे और छात्रों के हकों की रक्षा करेंगे। समाधान। इस मामले का समाधान यह होना चाहिए कि प्राचार्य द्वारा छात्रों से मांगे जा रहे अतिरिक्त शुल्क को रद्द किया जाए। इसके अलावा प्राचार्य के खिलाफ गरीब छात्रों से अवैध रूप से धन वसूलने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त हो। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस मामले को उठाएं और गरीब छात्रों के समर्थन में सामने आएं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी छात्र अपनी पढ़ाई सिर्फ इसलिए न छोड़ दे क्योंकि वह गरीब है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।